शुभेंदु जी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि दरअसल खजाना खाली हो गया है। सीएजी की रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ, दिल्ली पर बढ़ते हुए कर्ज का भी जिक्र हुआ, तो क्या सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा था, इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा? दो रीजन है इसके लिए जीनत जी और अभिनंदिता जी, आपको भी जानकारी देने के लिए कि आज से 10 साल पहले जब ये आंदोलन आपका चल रहा था तो केजरीवाल जी ने पाइप पे एक पोल पे चढ़ के एक मीटर काटा था और कहा था कि मीटर तेज चल रहा है प्राइवेट कंपनियों को, जो हम उस समय की जो सरकार थी शीला दीक्षित जी की सरकार, वो जो 300 करोड़ रुपए दे रही थी सब्सिडी, ये ज्यादा दे रही है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आएंगे तो ये सब मीटर बदलेंगे और 300 करोड़ को इन्हीं कंपनियों से कम कराकर जनता को फायदा देंगे, ऐसा वादा सबने सुना था केजरीवाल जी ने पोल पे चढ़ के, और पूरा एक पक्का सा ड्रामा सा हुआ था। जो 300 करोड़ का टर्नओवर जो था सब्सिडी था वो बढ़ के अब 3300 करोड़ हो गया, एक भी मीटर चेंज नहीं हुआ। उन कंपनियों ने क्या रेट लगाया है, किस लिए लगाया है और भार कैसे बढ़ गया, एक बार भी केजरीवाल जी ने एक दिन के लिए भी सदन नहीं बुलाया। मेरा ये कहना है कि ये लॉस दिल्ली का है, खाली वहां पर एक वादा करके, और जब उनको लगा कि इतना बड़ा वादा हो गया अब हम इसको कर नहीं पा रहे तो किसी तरीके से इस वादा से छुट्टी मिले, उसके लिए उन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि हम सब लोगों को देंगे। यदि सबको ही देना था तो जिसका जिसका जो रीडिंग आ रही थी आप देते रहिए, परंतु अब आपको क्या है कि आप मिस कॉल भी करिए, आप व्हाट्सएप करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, उससे दो चीजें होंगी, जनता को दोबारा दर्शाना चाहते हैं कि जो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं और इस डेटा का वो पॉलिटिकल यूज इस चुनाव में करना चाहते हैं। तो पहला तो रीजन ये है कि इस चुनाव में इस डेटा से लोगों को जताना चाहते हैं कि भैया हमने इस चुनाव से मतलब निगम चुनाव नगर निगम के चुनाव जो आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है कि खजाना सीएजी की रिपोर्ट में आपने देख ही लिया है कि 3300 करोड़ ये हो गया जो हमने अभी विद्युत कंपनियों का बताया जिसको दिया जा रहा है, पर एक बार भी कोई मीटिंग नहीं हुई। मैं तो ये भी कहता हूं कि यदि आपने कोशिश भी नहीं करी जो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। दूसरा, जल बोर्ड का 28,000 करोड़ का सीएजी बता रही है कि लॉस में है और उत्साही 26,000 करोड़ उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। डीटीसी बस पर ईयर जो 1,000 करोड़ होता था वो 2200 करोड़ हो गया और टोटल मिलाकर कुछ 17-18-22 हजार करोड़ का उसमें लॉस हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल दिल्ली कोलैप्स करने की पोजीशन पे है और ये कोशिश करने की कोशिश शायद कर ले पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने परसों का न्यूज भी जिन्ना जी देखा होगा कि अब जो डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें भी सैलरी नहीं दी दे पा रही है दिल्ली सरकार, दिल्ली के डेप्यू उसके स्कूल में। अच्छा, दिल्ली में विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने चर्चा की मांग की सीएजी की रिपोर्ट पर, पिछली चर्चा कब हुई हो, इस बार माना नहीं हुई, पिछली बार हुई हो? आपने अभी जिन्हें अभी आपने 5 दिन का एक अविश्वास प्रस्ताव का बड़ा ड्रामा देखा होगा और हमने उस दिन भी कहा कि आप सीएजी के ऊपर कर लो, पानी के ऊपर कर लो, पॉल्यूशन के ऊपर कर लो, आप किस बात पर कर रहे हो कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, जो एक तरीके का झूठ है, और आप बता नहीं रहे हो कौन खरीद रहा, कितने रुपए में खरीद रहा। खाली 5 दिन पूरे दिल्ली का समय खराब किया गया, ठीक है। वो आज 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 का भी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं यही फॉर्मूला भी गोवा, आज ही सबको पता है 8 विधायक आए हैं गोवा से, वो कहते हैं आप लोग तो मतलब ये तो आरोप भी है, या मैं कहूँ इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन अभी वो कहते हैं आप लोग तो पंजाब में भी खरीदना चाह रहे हैं, अब पंजाब में भी और 20-20 करोड़ रुपए की रकम दी जा रही है, तो ये तो खैर ठीक है, अब उसमें कितनी सच्चाई, कितना सियासी स्टेटमेंट है, ठीक है। वो हुआ था जिसकी बीटीपी पार्टी के साथ जो भारतीय जो वहां के ट्रिब्यूनल से लोग थे उनकी पार्टी थी, उसने भी आज उनको बोला कि नहीं ये गलत लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र की पार्टी थी, उसने मना किया कि इनके साथ नहीं जाएंगे, 4 महीने का जो संगठन था नहीं, दरअसल अब उसमें ना जनता ने जब वोट दिया होता है तो उसने कोई और झंडा देखा होता है, विधायक चला जाता है तो वो उसका अपने क्या एकदम से समाज सेवा की भावना आ जाती है, या फिर उसको लगता है कि ये तब्दीली जरूरी है, उस पर अभी हम बहस ही नहीं करेंगे सर, ठीक है।